स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, कौन सी घटना विक्रम संवत 2081 की शुरुआत का प्रतीक है? ए गुड़ी पड़वा, बी चैत्र शुक्लादि, सी चेटी चंद, डी उगादि। आंसर बी चैत्र शुक्लादि। एक्सप्लेनेशन, चैत्र शुक्लादि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल का दिन है। ये चैत्र महीने के पहले दिन पड़ता है। चैत्र हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इस दिन देश के विभिन्न राज्यों में गुड़ी पड़वा, उगादि और चैत्र नवरात्रि जैसे महापर्व भी मनाए जाते हैं। इस नए संवत्सर 2081 की शुरुआत मंगलवार से हो रही है, इसलिए मंगल ग्रह ही इस वर्ष का राजा होगा। अगला प्रश्न, भारत ने विदेशी सिख में बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, ये किस देश में है? ए श्रीलंका, बी कतर, सी ईरान, डी म्यांमार। आंसर डी म्यांमार। एक्सप्लेनेशन, म्यांमार स्थित सितवे बंदरगाह को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद ये दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। कालादार नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल IPGL के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने घोषणा की है कि खेलो इंडिया के पदक विजेता अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे? ए अनुराग ठाकुर, बी विजय माथुर, सी अजय सिंह, डी संजय माथुर। आंसर ए अनुराग ठाकुर। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया के पदक विजेता अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। इन नौकरियों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स के पदक विजेता पात्र होंगे। खेलो इंडिया को भारत सरकार ने साल 2017 में जमीनी स्तर पर बच्चों के साथ जुड़कर भारत में खेल की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं को शादी के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है? ए महाराष्ट्र सरकार, बी झारखंड सरकार, सी केरल सरकार, डी गुजरात सरकार। आंसर बी झारखंड सरकार। एक्सप्लेनेशन, झारखंड सरकार ने हाल ही में विधवा महिलाओं को शादी के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है, जिसके तहत दोबारा शादी करने के लिए विधवा महिलाओं को 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत में 7 लोगों को 14,00,000 की प्रोत्साहन राशि दी गई है। अगला प्रश्न, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? ए हावड़ा गुजरात, बी मुंबई महाराष्ट्र, सी चेन्नई तमिलनाडु, डी जयपुर राजस्थान। आंसर ए खावड़ा गुजरात। एक्सप्लेनेशन, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के खावड़ा में 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रहा है, जो 538 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र बनाता है।